मुजफ्फरपुर पुलिस और गोपालगंज पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीमावर्ती इलाके में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में देशी शराब बनाने की सामग्री बरामद की है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिला उत्पाद विभाग की पुलिस, मुजफ्फरपुर जिला उत्पाद विभाग की पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें दोनों जिलों के सीमावर्ती इलाके में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और सर्च अभियान चलाया। इनमें पुलिस को कई जगहों पर अवैध शराब फैक्ट्री मिली, जिसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान किसी कारोबारी के गिरफ्तार होने की सूचना नहीं है, मगर सीमावर्ती इलाके में हुई इस छापेमारी में पुलिस को भारी मात्रा में देशी शराब बनाने की सामग्री मिली है, जिसे पुलिस ने आग में डालकर नष्ट कर दिया। फिलहाल दोनों ही जिलों की पुलिस शराब कारोबारियों की पहचान करने में जुटी है। धनंजय कुमार, न्यूज़ लाइव, गोपालगंज।